अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमास किचन मेन्यू डॉट कॉम। मैं हूँ अलमास और आप देख रहे हैं अलमास किचन मेन्यू यूट्यूब चैनल। आज अलमास किचन मेन्यू का मेन्यू है चिकन कलेजी। झटपट और मिनटों में तैयार हो जाने वाली कलेजी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने बनाए थे दाल चावल के साथ कुछ कुरकुरा और कुछ स्पाइसी खाने को दिल चाहा तो कलेजी बना डाली। तो आप लोगों के लिए वो रेसिपी शेयर ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। इसे बनाएं, घर में ट्राई करें, बहुत डिलीशियस बने ये और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को खाने में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन किया है, उसमें फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन हमारा गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से कलेजी, दिल और ये पोटा है इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। साथ में मैंने चिकन के पीसेस भी थोड़े से ऐड किए हैं और अब इसमें मसाला ऐड करेंगे और एक मिनट के लिए इस मसाले के साथ इसे छोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक जाएगा इसमें और अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है तो उसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है आपने, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दीजिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें कलेजी को ऐड कर देंगे। फ्लेम इस वक्त तेज़ रखिएगा और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ऑयल में। कलेजी और चिकन तो भाप में गल जाएगा लेकिन जो पोटा है वो थोड़ा सा गलने में टाइम लेगा, तो इसलिए इसमें ज़रा सा वाटर ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और इसे भी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम में पकने छोड़ेंगे ताकि कुछ चीज़ें हमारी जो हैं वो गल जाएं। और ये देखें 2 मिनट हो चुका है, पानी भी थोड़ा खुश्क हो चुका है। अब फ्लेम को तेज़ कर देंगे और अब हमने इसे सिर्फ और सिर्फ भूनना है अच्छे तरीके से। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगा। कलेजी हमारी भुनने में आ चुकी है, जब ऑयल छोड़ दे तो आप समझ जाएं कि कलेजी आपकी भुन चुकी है। और अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना डिलीशियस बना है। इसे आप पराठे के साथ, नान के साथ, राइस के साथ वैसे भी खा सकते हैं, बस फ्राई करें और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में प्रेस बटन उसे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चले जी आप लोग घर में बनाएं, ट्राई करें, इंजॉय करें और इंजॉय के साथ साथ मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें, मुझे और मेरी फैमिली को और अपनी और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखा करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मैं न्यू रेसिपी लेकर फिर हाजिर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।